जय भीम जय भीम इंडिया पर मैं पल्लवी डोंगरे आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नागपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से राफेल घोटाले का किया गया निषेध। मुकुल वासनिक ने केंद्र सरकार पर लगाया करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। गोंदिया शहर में बेरोजगारों को काम देने के नाम पर चुनाव के पहले ही किया गया गुमराह। और बारामती शहर में मंगदास निकालजे ने किया अनोखा आंदोलन। मुख्याधिकारी के कैबिन के सामने लगाई सलाई। विस्तार से नागपुर के संविधान चौक में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी और नागपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से राफेल घोटाले के निषेध में धरना आंदोलन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप मुकुल वासनिक ने लगाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समावेश था। आमची मागणी स्पष्ट आहे कि जेव्हा यूपीएचं सरकार केंद्रामध्ये होतं तर डेसॉल्ट कंपनी फ्रान्सच्या माध्यमातून 126 विमानांच्या खरेदी करण्याचा निर्णय झाला होता। 126 विमानांची मागणी भारतीय वायुसेनाने केली होती आणि या करारामध्ये एक लढाकू विमान 526 कोटी रुपयांमध्ये भारताला मिळत होतं। नरेंद्र मोदीचं सरकार येतं 126 जागी ते 36 विमान घेण्याचा निर्णय घेतात आणि एक विमान जिथे 526 कोटी रुपयांमध्ये मिळत होतं त्याची खरेदी ते 1670 कोटी रुपयांमध्ये करतात। 36 विमानाच्या खरेदीमध्ये 41,000 कोटी रुपये अधिकचे मोदी सरकार हे डेसॉल्ट कंपनीला देत आहे। 41,000 कोटी रुपये हे अधिकचे विमानावरती कसे काय खर्च होत आहे, ही किंमत इतक्या 3 पटीने कशी वाढली आणि ही किंमत ठरवण्याकरता कोणी निर्णय घेतलेला आहे? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतील पण नरेंद्र मोदी हा निर्णय घेऊ शकत नाही। रक्षा मंत्रालयाच्या खरेदीमध्ये एक प्रक्रिया असते, किंमत ठरवण्याकरता एक प्रक्रिया आहे, करार ठरवताना प्रत्येक बिंदू चर्चा करत असताना त्याच्यावरती एक समिती तयार आहे। कॅबिनेट कमिटीची सुरक्षेच्या संदर्भात एक कमिटी आहे। या सर्व प्रक्रियेच्या माध्यमातून जाऊनच निर्णय होतो। किंमत कोणी ठरवली, या समित्यांची काही बैठक झाली, काही चर्चा झाली की नरेंद्र मोदी एकट्याने हा निर्णय घेतला आणि म्हणून आम्ही मागणी करतो की हा घोटाळा अनेक हजार कोटींचा आहे। 41,000 कोटी तर फरक दिसतच आहे पण सोबत 30,000 कोटी रुपयाचा ऑफसेट कॉन्ट्रॅक्ट जो एका अशा कंपनीला मिळतो की जी कंपनी 10 दिवस अगोदर रजिस्टर होते, ज्याला याच्या संदर्भात शून्य अनुभव आहे, त्याला कसा काय ऑफसेटचा कॉन्ट्रॅक्ट भेटतो? या सर्व बाबींची चौकशी व्हायला पाहिजे। संसदेची जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटी गठित व्हायला पाहिजे। हा देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे, हा नरेंद्र मोदीचा प्रश्न नाही, हा कुठल्या एका शासनाचा प्रश्न नाही, हा भारताच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि भारताच्या सुरक्षेबद्दल आम्ही कोणालाही खेळू देणार नाही। हा देखील एक आमचा मेसेज या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही देत आहोत। गोंदिया शहर में बेरोजगारों को काम देने के लिए बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए। यूथ एम्पावर समिट के नाम पर युवाओं को बुलाया गया। उन्हें मुंबई पुणे जैसे महानगरों में नौकरी देने की बात कर 5 से 7 घंटे तक लाइन में खड़ा रखा गया, लेकिन वहां मौजूद बेरोजगार युवाओं का कहना है कि हमें गुमराह किया जा रहा है, ये चुनावी फंडा है। जितने भी बेरोजगार आए उनका शोषण किया गया है यहाँ पे।
सब यहाँ कंपनी बुलाए बाहर बाहर की, पूना मुंबई तारापुर, तो कोई उद्धार नहीं हुआ यहाँ पे। सब शोषण किए सभी का यहाँ, सबको किए है कि बोले अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है, पर यहाँ पे आके देख रहे सब लड़के बहुत पेमेंट कम और उसमें किसी का गुजारा नहीं हो सकता। जो हुआ था बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत की गई थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिया गया था पहले, उसके बाद में यहाँ गेट के अंदर लिया गया हमको इंटरव्यू के लिए लिए गए, लेकिन कंपनियाँ भी आई थी, बहुत दूर दूर की कंपनियाँ आई थी, जैसे कि पुणे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश ऐसी, और उनके में पेमेंट की भी बहुत, जैसा हम इतने बेरोजगार लोग गोंदिया जिले के युवक आए थे, जैसा हमारे को हमारा गुजारा हो सके इस तरीके का, तो हमारे को पेमेंट नहीं मिला और हमने गोंदिया जिला से हम कई दूर को हमें भेजा जा रहा था, फिर भी उतने पेमेंट में हमारा कुछ नहीं हो सका, और प्रयास बहुत सही रहा वैसे, लेकिन फिर भी अगर इसी तरीके का प्रयास पहले भी होता तो आज तक हमारे गोंदिया जिले के युवा जाग जाते और बेरोजगारी से बहुत बच जाते। ऐसा बोलकर मैं बच्चे से आई हुई थी, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने वन वीक बाद मैं बोले कि 8 दिन तक आपको कॉल लेटर या मैसेज मोबाइल में आ जाएगा या कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, पुणे और नागपुर की कंपनी से। अभी इनको ट्रेनिंग के लिए हमने सिलेक्ट किया है जिसमें इनका 6 हफ्ते से लेकर 3 महीने का ट्रेनिंग हो सकता है, कोर्स वाइज डोमेन वाइज वो वेरी करता है, अगर बैंकिंग का है ऑटोमोबाइल का ट्रेनिंग है तो वो 6 हफ्ते का है, अगर एंड्रॉयड का है मोबाइल एप्लीकेशंस का है तो वो 2.5 महीने का हो सकता है, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन का ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद इनके जॉब शुरू होते हैं। 12 मंदिर शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या पर आरोग्य अधिकारी का ध्यान नहीं होने की शिकायत मुख्य अधिकारी को किए जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद मंगदास निकालजे ने मुख्य अधिकारी के कैबिन के सामने सलाइन लगाकर अनोखा आंदोलन किया। बारामती नगर पालिके मध्ये 7-4 हजार चालू आहेत डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पीसीओ कमी जास्त होत आहेत लोकांचा, परंतु लोकांवर नगरपालिका कुठल्याही प्रकारचं लक्ष देत नाही आहे, आरोग्य अधिकाऱ्यांना फोन केलं तर आरोग्य त्यांचे भाषा करत आहेत, आता देखील ते इथं आंदोलन किया बारामती में क्या है 7 दिन चल रहे हैं डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया बेसी बट चल रहे हैं लोग, इससे इसकी वजह से बहुत बीमार है, ये नगर पालिका उस पर ध्यान नहीं देती, इसकी वजह से मैंने एक अनुकान करने का सोचा, मैंने मेरे को जो सलाइन लगाया था डॉक्टर ने वो सलाइन देके मैं बारामती नगर पालिका के मुख्य अधिकारी जो है उनके कैबिन के सामने मैंने वो आंदोलन किया, उधर सलाइन लगाया, उसका एक ही मेरा अर्थ था कि वो जो आरोग्य अधिकारी है वो उधर लक्ष्य देते नहीं है, इसकी वजह से मैंने वो आंदोलन किया है, वो आरोग्य अधिकारी है उधर आते भी नहीं है, इसकी वजह से मैंने उनके ऊपर भी कार्रवाई होने के लिए मैंने ये आंदोलन किया है, उधर की स्वच्छता होनी चाहिए, बहुत लोग बीमार है, यही मेरी अपेक्षा है। कल का जो प्रबुद्ध नगर में जो एक क्या हुआ उसमें मैं थोड़ा एक और दृष्टि डालना चाहूँगी, क्योंकि जो काम नगर परिषद का है और उसके दृष्टिकोण से जो गंदगी फैलती है हर एक एरिया में, तो फिर नगर परिषद के माध्यम से हमारे सब कर्मचारी लोग हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं और सब लोगों को डिवाइड करके हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पर लोग पहुँचते नहीं है, अदरवाइज ये क्लीनलीनेस नहीं होता, ये सब जो होता रहता है, बड़ा गाँव है बड़ा शहर है तो फिर कहाँ ना कहीं तो ये सब होना ही है, और अगर इसमें हम लोग नहीं पहुंच पाते तो जो संबंधित नागरिक है वहाँ के उन्होंने अगर सूचित किया तो हम लोग तुरंत वहाँ जाके वो पूरा कूड़ा वगैरह साफ करके, और फिर हम लोगों का ये सर्वे भी चल रहा है कि घर घर हम लोग डोर टू डोर पहुँचते हैं और सब घर में जो पानी वगैरह रखा है स्टैगनेंट वाटर हम लोग बोलते हैं उसको, वहाँ अगर ये मच्छर के कुछ एग्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से ज़्यादा मच्छर बढ़ते हैं, तो फिर ये जो बारिश का सीज़न है उसके हिसाब से हर एक साल ये होता ही रहता है, लेकिन कल जो प्रबुद्ध नगर में हुआ और एक मेरे भाई जो यहाँ बारामती नगर परिषद में आए सलाइन लगा के आए, ये दरअसल बारामती के हिसाब से बहुत बहुत ही इतनी लज्जास्पद ऐसी घटना है कि मुझे बारामती नगर परिषद में नगराध्यक्ष हूँ, मेरे साथ नगर सेवक 44 नगर सेवक काम कर रहे और वहाँ के जो नगर सेवक है वो भी अपने हिसाब से इतना अच्छा काम कर रहे, फिर भी ऐसा हुआ है तो फिर हम लोगों ने तुरंत ही वहाँ दखल देके, हम लोगों के सब कर्मचारी है HODs मेरे चीफ ऑफिसर हम लोग वहाँ जाके आए, फिर देखा वहाँ एरिया में क्या क्या हो रहा है, और अगर कहाँ पे भी हम लोगों को कूड़ा कचरा दिखाई दिया जो
बहुत दिनों से पड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, सब क्लीन था। और जो घर घर में जो पानी रहता है वो भी हम लोगों ने साफ़ करने के लिए बोला है, लेकिन मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते में यही बोलना चाहूँगी कि हर एक ने अपना खुद की साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए। नगर परिषद के लोग तो ज़रूर आएंगे, उनका काम है हम लोगों को आपको सेवा देना, यही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में युवक कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया और राफेल घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग की गई। युवा कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया कि राफेल घोटाले में प्रधानमंत्री का हाथ है। इस मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। जो 1,30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया उसको लेकर हम लोगों ने, यूएस कांग्रेस के लोगों ने मांग करी है कि मोदी सरकार को भ्रष्ट मोदी सरकार को बर्खास्त किया जाए। 526 करोड़ रुपए का जो राफेल था उसका इन्होंने सौदा किया है 1,666 करोड़ रुपए का अनिल अंबानी की कंपनी से, जो कंपनी 15 दिन पहले ही अस्तित्व में आई थी उस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया गया। भारत की सरकारी कंपनी मौजूद होने के बावजूद मोदी जी ने अनिल अंबानी की कंपनी को टेंडर दिया गया है। जो राफेल 526 करोड़ रुपए का था इन्होंने 1,666 करोड़ रुपए में खरीदा है, तो देश के साथ इन्होंने धोखा किया है और घोटाला किया है। नागपुर महानगर पालिका के समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांगों के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कुछ दिव्यांगों को ई रिक्शा दिए जाने वाला है, जिसके फॉर्म भरने के नाम पर उनसे पैसे लेकर उनके साथ धोखाधड़ी करने की घटना सामने आई है। इस घटना का निषेध नागपुर महानगर पालिका के सामने किया गया। ऐसा है कि समाज कल्याण के तरफ से जो दिव्यांग लोग हैं 18 से 50 साल की उम्र के, उनको नागपुर महानगर पालिका की तरफ से हर जोन में 7 ऐसे टोटल 70 ई रिक्शे निःशुल्क देने का प्रावधान नागपुर महानगर पालिका ने मंजूर किया और उस माध्यम से नागपुर शहर के जो दिव्यांग लोग हैं उन्होंने अर्ज किया। उसमें टोटल हमारे पास 350 से 400 अर्ज आए, उसमें से भी पात्र और अपात्र की लिस्ट बनना शुरू है। वो होने के बाद उसके कमिश्नर की मंजूरी लेकर हम ये 70 लोगों को देंगे। अभी हमने अधिकारी को तुम्हारे सामने ही पूछा और किसी अधिकारी ने उनसे कोई पैसे लिया नहीं है और नागपुर महानगर पालिका का किसी भी कर्मचारी ने पैसे नहीं लिया। अगर लिया होगा तो हम उसकी चौकसी करके उनके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे, उनके साथ न्याय करेंगे। हमसे 3 महीने पहले पैसे लिए गए कि ई रिक्शा ये देने वाले है करके, तो हमने दिए 2,000 रुपये, लेकिन हमारे को बताया गया था कि 15 दिन में ई रिक्शा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें कुछ ई रिक्शा दिया नहीं और हमारे को झुलाया जा रहा है सिर्फ। और इनका कहना है कि हम एक जोन को सिर्फ 7 रिक्शे देंगे, तो एक जोन में कम से कम 65-63 ऐसे कुछ निवेदन है या लकी ड्रॉ निकालेंगे, यानी बता देना चाहिए ना। जिस समय हमने निवेदन डाले उस समय हमारे को बोलना चाहिए कि वो हम एक जोन को सिर्फ 7 रिक्शे देंगे, तो जिसको डालना है वो डाले रहते, नहीं डालना रहता। और इन लोगों ने इनका लिखा इनके ही पत्रक में लिखा है कि 18 से 50 के अंदर लोगों को ही रिक्शा बांटा जाएगा, तब भी इन्होंने 65-50 के ऊपर के लोगों की तरफ से पैसा लेके निवेदन लिया है। बुल्ढाना पुलिस द्वारा दंगा नियंत्रण प्रशिक्षण के तहत पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पानी के फवारे के साथ सशस्त्र कमांडो, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और इन सभी गतिविधियों में पुलिस कर्मचारियों की भूमिका को बताया। पुलिस अधीक्षक दिलीप पाटिल ने इस प्रशिक्षण की अगुवाई की। आज बुलढाणा शहर के जयस्तंभ चौक में यहाँ पे मॉब डिस्पर्सल दंगा काबू योजना इसकी रंगीत तालीम ली गई, जिसमें वहाँ पे पानी के फवारे छोड़ना और जो एग्रीटेटर्स है या साइलेंस है उनके ऊपर लाठीचार्ज कैसे करना, ये बातों का प्रात्यक्षिक वहाँ पे किया गया। पुलिस स्टेशन बुलढाणा शहर के स्टाफ हमारे जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप भुजबल पाटिल सर और SDPO महामुनि सर, इनके मार्गदर्शन में यहाँ पे मॉब डिस्पर्सल दंगा काबू योजना रंगीत तालीम आज हम लोगों ने दी है। झूठ बोलकर सत्ता स्थापित करने वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना है तो बहुजन समाज को संगठित होकर भारिप और वंचित आघाड़ी को मजबूत करने की बात
वाशिम में भारीप के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सोनोने ने भारीप के सत्ता संपादन निर्धार सम्मेलन में कही। संविधान इस भारत देश की शान है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बाला साहेब अम्बेडकर हमारी जान है। या पेशवाईला मातीत घालण्याची क्षमता फक्त बाळासाहेब आंबेडकरांमध्ये आहे, दुसऱ्या कुठल्याही ऐर्या गैर्या नथू खैर्याच्या मध्ये नाही। 4 वर्षापासून माझ्या पत्रकार बांधवांना सांगतो, 4 वर्षापासून अघोषित आणीबाणी सुरू आहे। तुम्हाला पेपरला काय लिहायचं आहे हे संपादक जे आहेत त्यांना विचारून लिहावं लागते। त्यांच्यावर सुद्धा या सत्ताधाऱ्याचं प्रेशर आहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितके काही चॅनल आहेत, एखादी जर उलटी बातमी टाकली त्याच्यावर सुद्धा दडपण आणून विविध एजन्सीच्या हाती धरून त्याच्यासुद्धा धारी टाकतात, त्याचंसुद्धा चॅनल बंद पाळतात। इतकं हे नीच सरकार केंद्रामधलं राज्यामधलं आहे। या दोघांना आम्हाला 2019 घरी पाठवायचं आहे, याचा संकल्प करायचा आहे। भूक तुम्हाला लागलेली आहे, तुम्हाला तहान लागलेली आहे याची सुद्धा मला जाण आहे, पण भूक आणि तहान विसरून आम्हाला कामाला लागायचं आहे। अभिनय तो कभी नहीं। तिकीट ज्याला कोणाला मिळेल त्याचं आम्ही समर्थन केलं पाहिजे। आणि या जिल्हा ज्यांनी बांधला, ज्यांनी रक्ताचं पाणी केलं, त्या सर्व जुन्या कार्यकर्त्यांना सन्मानाची वागणूक द्या। बैल म्हातारा झाला मारून त्याला कसायला विकू नका। उद्या तुम्ही सुद्धा म्हातारे होसान याची सुद्धा जाण ठेवा। सत्ता संपत्ती सौंदर्य आणि पद हे कोणाकडं टिकलं नाही, या चारी गोष्टी नष्ट होणार आहेत याची जाण ठेवा। अमरावती के दरियापुर के ग्राम साखली में शॉर्ट सर्किट होने से कई मजदूरों के घर के विद्युत उपकरण जलने के कारण मजदूरों पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। अचानक विद्युत प्रवाह बढ़ने से सभी उपकरण जल गए। दरियापुर MSEB महावितरण कंपनी को मुआवजा देने की मांग की गई है। ओ, कब जल गया ये? कल शाम को जल गया। ज्यादा वोल्टेज हो गया लाइट का। हाँ, वो जल गया। टीवी भी उड़ गई घर की। टीवी भी उड़ गई। हाँ, और क्या उड़ा? लाइट फूट गए। माझी एक विनंती आहे की शासनाला बाबा भरपाई करून द्यावं। माझ्या घर ते डिटेट जाईल मला येत नाही, कोणतं सांगो? टीव्ही जाईली। टीव्ही जडली जडला का? हरी समज जाईल ना। हमारे साथ में मौजूद आहे इस गाव के ग्राम पंचायत सदस्य निलेश सिरसाट, जानना चाहेंगे कुछ इनसे राय। ये जो महिला थी, ये महिला ने बोला अभी कि ये मीटर जब जल गया था तो पानी की बकेट लेके मैं आई, और ये महिला के पास से वो किसने बकेट छीनी? आम्ही 4-5 जण बसलो होते सर, ज्यावेळेस स्फोट झाला त्यावेळेस स्फोट झाला की पेटलो होतं हे सबंध सर्व हे पुढे अंदर होती, ज्यावेळेस तिला आवाज गेला त्यावेळेस बकेट घेऊन आली धावत असं टाकायला गेली। आम्ही आवाज दिला तिला की पुढे टाकू नको तिला पकडली बकेट, नाहीतर तिने जर पाणी फेकलं असतं तर पुढे मरण पावली असती, स्पॉटवर खतम झाली असती, संपली। माझ्या घरची टीव्ही जळली, DTS जळलं, फॅन जळला, सर्व फ्रीज बोर्ड बिर्ड सगळे जळले। कधी जळले? काल 5 वाजता जळले। कालची घटना 5 वाजताची, तुमच्या घरचं टीव्ही जळली, फॅन जळला, कूलर जळला, DTS जळलं, अद्यापपर्यंत MSEB चे कर्मचारी तुमच्यापर्यंत आले नाहीत का? नाही, अजून सुद्धा आले नाही। तुम्ही या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी किंवा गावातला जनप्रतिनिधी सामाजिक कार्यकर्त्याकडे माहिती दिली का? हो, आता समजा देणार आहोत ना, आतापर्यंत नाही दिली।
आता देणार आहोत. टीव्ही गेली, फ्रीज गेला. कधी गेलं? काल 5 वाजता. काल 5 वाजता. काल 5 वाजताचीच घटना. मीटर जळालं का तुमच्या घरचं? मीटर नाही. मीटर नाही झाडलं तुमच्या घरचं? मीटर झाला, एकदम उभा झाला मीटर मध्ये. हो का? आजूबाजू दुसऱ्या लोकांना त्रास झाला मीटर मीटराबद्दल, म्हणजे दुपट जात निघाल ना सगळं. गोंदिया के संतागार हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से सामाजिक जागरूकता प्रश्न मंच का आयोजन किया गया है. ये 192वां कार्यक्रम है. इस अवसर पर अब कई मान्यवर मौजूद थे. बुद्धा टीवी चैनल के प्रतिनिधि मनुन सर्वप्रथम सतीश पारधी सरांच आमच्या परिवारातर्फे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि अपेक्षा करतो की भारतातील बौद्धांच्या मदतीनं सुरू झालेलं लाड बुद्धा आणि लाड बुद्धा चॅनलचा संपूर्ण परिवार ज्यानं गोंदिया जिल्ह्यातील सतीश पारधी यांच्यावर जी जबाबदारी सोपवलेली आहे त्या जबाबदारीला पार पाडण्यात भविष्यात पारधी साहेब उत्कृष्टपणे यशस्वी होतील आणि संतागारा परिवारातर्फे जे काही सहकार्य त्यांना लागेल ते सहकार्य त्यांना मिळेल. या प्रसंगी सर्वप्रथम 4 नोव्हेंबर 2018 आयोजित होत असलेला 200व्या असेंब्लीच्या कार्यक्रमाच्या कव्हरेजसाठी आपण सगळ्यांच्या मंजुरीनं लाड बुद्धा टीव्ही चॅनलला हे काम आम्ही सोपवत आहोत. त्यांनी हे मनपूर्वक स्वीकारावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. तो याप्रमाणे बुद्धिस्ट समाज संघ 2008 प्राध्यापक उमेश नागदेवे सिव्हिल लाईन यांच्या नेतृत्वात स्थापित झाला आणि त्यानंतर हा बुद्धिस्ट समाज संघ सिव्हिल लाईन परिसरात न ठेवता त्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरवण्याच्या आमच्या संघानं असा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार ज्या जागेवर हे संतागार ही वास्तू आज उभी दिसत आहे ही 20,000 फूट जागा संघानं घेतली आणि या 20,000 फूट घेतलेल्या संघाच्या जागेचा हप्ता नियमित सगळ्या संतागार परिवाराच्या लाईफ मेंबर, ट्रस्टी मेंबर, IMD मेंबर आणि सगळ्या दानदात्यांनी वेळोवेळी देऊन हे काम पुढं इथपर्यंत आणलेले आहे. आतापर्यंत आलेल्या एकूणच दानापैकी ही वास्तू आपल्याला उभी दिसत आहे आणि त्याप्रमाणे इथे समाज बांधणीचा काम या वास्तू बांधणीसोबत सातत्यानं सुरू आहे. संपूर्ण भारत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस मन से और किसान संगठन की ओर से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया जिसे संपूर्ण महाराष्ट्र में अच्छा खासा प्रतिसाद मिला. इस दौरान अच्छे दिन की बात करने वाली सरकार से इसका जवाब भी मांगा गया. कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से और भी 21 जो पक्ष है विविध पक्ष है इनकी ओर से भारत बंद का ऐलान यहां पर किया गया था. उसी के दौरान आज बुलढाणा में पूरा बंद यहां पर दिखाई दे रहा है. तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस कमेटी के महासचिव हर्षवर्धन जी सबका इस वक्त हमारे साथ है. उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की मांगे उनकी है. सर बताइए, BJP सरकार की विफलता किसानों से लेकर तो नौजवानों तक और उद्योगपति से लेकर तो घर गृहस्थी में काम करने वाली महिला तक सारे लोग काफ़ी मुश्किल में हैं और विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना BJP सरकार की कुशासन की वजह से करने का नौबत इस देश की जनता पर ये आ पड़ी है. इसलिए फसल के दाम नहीं, कर्ज माफ़ी का फैसला जो हुआ उसका अमल नहीं, बेरोज़गारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है और इन सारी समस्याओं में एक जो बहुत बड़ी समस्या है कि डीजल, पेट्रोल और LPG गैस की जो दाम जो चौगुना बढ़ चुके हैं इस दामों को कम किया जाए, ये मूलभूत मांग को लेकर आज हम भारत बंद का कॉल हमारे पार्टी ने दिया है और इस बंद को अमल लाने का पूरा काम बुलढाणा के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के लोगों ने यहाँ पर इस बंद में शरीक होकर आज 100% बुलढाणा शहर में ये पेट्रोल, डीजल और LPG गैस के दाम को लेकर बंद में ये सहभागी होते हुए
100% बंद आज बुलढाणा शहर इस मुद्दे को लेकर हो चुका है। माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे जी है, उनसे हम सीधा जानेंगे कि किस तरह का सहयोग उन्होंने इस बंद में यहाँ पर दिया है और क्या मांगे हैं उनकी सरकार की ओर से। सर बताइए। आज बुलढाणा शहर ही नहीं, महाराष्ट्र और पूरे देश में बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शेतकरी कामगार पार्टी, समाजवादी पार्टी, मनसे और कम्युनिस्ट जो भी विरोधी पार्टियां देश में और महाराष्ट्र में है उनकी तरफ से देश बंद का आह्वान किया है। और आज हमने बुलढाणा शहर में भी इस बंद को अच्छी तरह से, यहाँ आप सब देख रहे हैं कि यहाँ भी अच्छे तरह से रिस्पॉन्स सब लोगों ने हमको दिया है। मोदी सरकार जब से पंतप्रधान बने हैं, जब वो पंतप्रधान बने थे तब उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन मैं सब लोगों को दिलाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। किसानों के बारे में उन्होंने बात कहा था कि किसानों को भी अच्छी तरह से दाम मैं दूंगा, काला धन जो बाहर है उसको भी लाने की मैं कोशिश करूंगा और हर एक के खाते में 15 लाख वहाँ पैसे जमा करूँगा। जो हमारे बेरोज़गार युवक है उनको भी हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की घोषणा मोदी साहब ने की थी और बहुत सारी उन्होंने वहाँ जब सत्ता पे आने वाले थे तब बहुत सारी घोषणा वहाँ उन्होंने की थी। लेकिन आज 4.5 साल के बाद हम देख रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है। डीजल के दाम है, पेट्रोल के दाम है, बाकी केरोसिन हो, सिलेंडर हो, उसके भी दाम बहुत बढ़ रहे हैं। जो छोटे लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनका भी जीना मुश्किल हो गया है और दिन ब दिन ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। उसके बारे में कुछ कम करने की सरकार की मानसिकता वहाँ नहीं है। मेरी तो ये डिमांड है कि अगर पेट्रोल और डीजल को GST में लिया जाए तो उसका भी दाम कम हो सकता है, लेकिन सरकार ये काम कर रही नहीं जो उनके हाथ में है। डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर भारत बंद का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसके दौरान बुलढाणा के इस क्षेत्र में जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सहयोग दिया है, वो भी इस बंद में यहाँ पर शामिल है। तो उनके नेतागण कुछ हमारे साथ है, उनसे हम सीधा जानेंगे और उनकी जो राय है वो यहाँ पर हम जानने वाले। सर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में UPA के कालखंड में कच्चे तेल का भाव जो था वो ज़्यादा था। BJP सरकार आया, कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट में कम हो गया। भाव कच्चे तेल का भाव कम होते ही ये पेट्रोल दर का भाव कम होना चाहिए था, डीजल का भाव कम होना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव बहुत सारे बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए कि उससे वो भाव बढ़ने से पूरे देश में महंगाई फैल गई और जनता में एक पूरा संताप ये पेट्रोल डीजल की वजह से हो रहा है। महिलाओं का किचन का बजट ये पेट्रोल डीजल के बढ़ने से उनका किचन का बजट बिगड़ रहा है और ये पेट्रोल डीजल दरवाड़ी के वजह से बहुत सारे उसके खिलाफ़ बहुत सारे आंदोलन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये आंदोलन का कोई उस पर ख्याल ना देते हुए हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ाई कर दिया। कल परसों भी बढ़ाए, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं और इसके लिए हम ये कांग्रेस वाले ने जो भारत बंद पुकारा है उसके लिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन देते हैं और उनके साथ में हम ये बंद में शामिल हैं। भारत देश में पूरे विरोधी पक्ष ने मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाज सरकार के खिलाफ बंद की घोषणा की है और इस भारत बंद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से भी पूरे देश में समर्थन दिया गया है। उसी के चलते गोंदिया जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आज गोंदिया शहर, गोंदिया जिले में बंद का आह्वान किया गया है, लोगों से निवेदन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जिस तरह के झूठे वादे किए, जिस तरह से लोगों को जुमलेबाजी करके लोगों से वोट लिए, उसके ठीक विपरीत आज डीजल पेट्रोल का प्रतिदिन भाव बढ़ रहा है। डीजल पेट्रोल के और रसोई गैस के भाव से सामान्य नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ रही है। हमारी महिला बहनों को के घरेलू बजट गड़बड़ा गए हैं और उसके बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में रोष है और इस रोष को प्रकट करने के लिए सामान्य जनता, किसानों को, ट्रांसपोर्टरों को, युवाओं को जो बड़ी भारी तकलीफ इस महंगाई में हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसका भारतीय जय भीम मीडिया पर आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय भीम मीडिया। जय भीम।